मीडिया जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया जिसने आपके गरीब आदमी की आवाज़ सुन रहे हैं। सर मैं आज 7-8 दिन हुए जहां रोज दौड़ते हुए एक हमें पहाड़ी स्पीकिंग EWS के बच्चों के बनाने वो नकली दी है, उन्हें हमें 5-7 दिन हुए देते। तहसीलदार के पटवारी के पास जाता हूँ, वो जाते हैं हमारे पास इत्रकार नहीं है उधर जाओ, तहसील में आते हैं वो बोलते हैं हमारे पास नहीं है उधर जाओ। हमें ऐसे ऐसे दौड़ते 5-7 दिन हुए कुछ भी नहीं। कल आए थे मैं, तहसीलदार साहब ने बोला आप चले जाओ, आज आना आज बन जाएगी आपकी नकल। मैं चलो ठीक है, आज मैं कल चले गया, आज दोबारा आए तो उन्होंने बोला उधर देखा इनको बना दो, फिर आखिर चले जाओ आपको मंडे को ये देंगे। मैं चलो ठीक है, उधर गार्ड जिसको पूछते हैं वो बोलते हैं हमारे पास नहीं रिकार्ड, के पास जाओ पटवारी के पास जाते बोलते हैं मेरे पास नहीं रिकार्ड उधर जाओ। हमें पता है कहाँ रिकार्ड कहाँ नहीं, हमें थोड़ा पता सर, हम गरीब दुरूब आदमी जो 5-7 दिन हुए लगातार दौड़ते हुए, तो ऐसे ही बात करते हैं। मैं 2-4 बातें मैंने अगला मंडे को जाऊँ, मैं सर 5-7 दिन हुए हमें रोज दौड़ते हुए, तो मंडे को मैं दोबारा क्या आज कर दो, इतनी बात कहते हुए उन्होंने मुझे चिबे लगा दी, लफड़ लगा दिया सर ऐसे बनाते हुए। आपको पता है हमें बड़े बड़े तहसीलदार जहाँ हमारी भी 55 ईयर उम्र है, मैं उसे कम से कम 10-15 साल बड़ा होगा, लेकिन उसे इसे नहीं आई है तो हम लफड़ किसको उठा रहे हैं। इससे पहले भी तहसीलदार आए कितने गए, अभी तक ऐसी बात नहीं सुनी है। जे क्या है मतलब उसका राइट लफड़ मारने का, ये है कोई हक तो जो बताए। इसलिए हम वापस आ गए तो मैं एडिशनल DC के पास गया, वो भी नहीं मिले उधर, क्योंकि वो भी कहीं बाहर गाँव में चले गए। तो उसके बाद फिर मैं आप बहुत बहुत शुक्र मीडिया के पास आया मैं ऐसे अपना प्रचार। इसके बाद हम कल तो आया दोबारा सोमवार को हम इसको पूरी अपनी जनता को अपने उधर से आदमी लेके मैं इसके देखा, कोई हमारी कोई गलती है तो उसे बिल्कुल किया जाए, अगर मेरी कोई गलती नहीं कुछ नहीं है। आज गरीब आदमी की यही बात होती है सर, मैंने बोला सर 6-7 दिन होंगे, यही रिक्वेस्ट करनी होती है, हमें किसको रिक्वेस्ट करनी होती है, ऑफिसर को करनी होती है। अगर इधर सर तहसीलदार है उसके ऊपर EDC है, EDC है उसके ऊपर DC है, हमें तो वही करना तहसील। अगर पटवारी जाए जो हमें लकेर करे वो इधर नहीं, हमें तो उसको पूछना है, अगर वो नहीं करे ऊपर आवाज बनाए गरीब आदमी को कहाँ बुलानी है। जी अगर मेरा सर गाँव में पतराड़ा में कृष्ण लाल मेरा नाम है, मैं गाँव पतराड़े में रहता हूँ सर। तो अभी आप क्या चाहते हैं सर? यही चाहते हैं जे मेरे से जिन्होंने लाई है इसका बिल्कुल, मैं गुजारू में जनता को भी अपने भी उधर आदमी को भी इधर अपनी मैं जी भी पार्टी को हमारे MLC साहब हैं दूसरे इधर NGO सभी को मैंने फोन किया, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं अपने EDC को और DC अर्जोरी उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे से ऐसे गरीब दुर्बा आदमी को, एक जिम्मेदार आदमी को हमारे से ऐसे तहसीलदार साहब ने तहसील सुंदर बने हमारे से ऐसे लफड़ लगाया, मुझे चपेट लगाई, ये बहुत दुख की बात है। तो इसके लिए मैं राजा रिक्वेस्ट करता हूँ DC रजौरी EDC सुंदरबनी तो मेरा इस आवाज को आपको तैयार किया जाए। नहीं आगे भी इस तरह की किन घटनाएं सामने आई? हाँ इससे सारे एक पहले भी घटना हुई है परसों, 2-4 दिन हुए बेचारा बुजुर्ग आदमी था जो लमन का रहने वाला, उससे भी चपेट लगाई, दूसरी बार मुझे भी वारदाता कर दी, इसका पेशा ही ऐसा है सर। क्या तहसीलदार सुंदरबनी पूरे होश आवाश में थे जब आपको थप्पड़ मारा सर? वो तो ठीक ही थे, होश में ही थे सर। आप अपने दफ्तर में? आप दफ्तर में थे सर, बिल्कुल दफ्तर से उठ के आए तो जहाँ कैच कर उधर खड़ोते मेरे से बात की, ऐसे ही चिबेल लगा दे, बहुत कहते फैल पाड़ने लगे तो फिर तो पता नहीं उधर दुखी उन्होंने दे दिया चलो। फिर बाद में कहने लगे रुको रुको देखो उसको जे है वो है, तो मैं आ गया सर रोते हुए। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए या इनको यहाँ से बदला दिया जाना, ट्रांसफर हो जानी चाहिए, क्या मांग करते हैं आप अपने लोगों की तरफ से भी, ताकि आने वाले गरीब लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किसी अधिकारी द्वारा ना किया जा सके और गरीब लोगों को प्रताड़ित ना किया जा सके? बिल्कुल सर, ये इंक्वायरी होनी चाहिए बिल्कुल, अगर इसमें कोई मेरी गलती है, मैं उसे कोई गलत बोला हूँ या कुछ किया हो तो बिल्कुल मुझे, अगर मेरी कोई गरीब आदमी की गलती नहीं है कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये मैं रिक्वेस्ट की उसको ये सर में 4-5 दिन हुए मैं लगातार, तो ये थोड़ा सा काम है सर कर दो। और नैब तहसीलदार साहब ने बोला, उसने बोला जो मतलब रजिस्टर लाओ, मैं 2-3 बार बोला उनको रजिस्टर बोलते हैं पता नहीं क्या रजिस्टर कौन सा है कौन नहीं, उन मुझे क्या पता, मैं तो पता नहीं जानता। और जो उधर लगे थे 4 आदमी एक को बोला अगर मैं नहीं जानता, अभी दूसरे को बोला बोलता मैं नहीं जानता, फिर उन्होंने स्क्रैन आन किया अखला उधर से लाओ कोई उर्दू लिखने वाला तो लिख देता हूँ। मैंने सर कहाँ से तो अपना अरी को जो उर्दू लिखने वाला हो वहाँ से चलो भाई उधर मुझे लिख दो। फिर नैब तहसीलदार ने बोला रजिस्टर लाओ मैं उधर आपको नकल देता हूँ,
तो उसको बोला मैम निकालूंगा कुछ नहीं सर। आप अपनी कितनी दिहाड़ियां तोड़ तोड़ करके सुंदरबनी दफ्तर के चक्कर लगाते सर, मैं 7-8 दिन हुए सर पे एक नकल भी नहीं मिली। 7-8 दिन पर डे एक दिन का आप कितना पैसा कमाते हो दिहाड़ी सर? क्या दिहाड़ी में एक दिन में क्या दिहाड़ लगे तो 200-300 रुपए 400 रुपए दिहाड़ी है और उसमें क्या कुछ भी नहीं। मैं सर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने 8-10 दिन हुए लगातार यहाँ दौड़ते हुए, ठीक है जी, कम से मेरे गरीब आदमी का 5,000 क्या मेरा नुकसान हो गया है, क्योंकि कोई मजदूरी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कोई सोच नहीं कि अकेला हूँ। तो डीसी रजौरी से जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एडिशनल डीसी सुंदरबनी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये गरीब आदमी है जिन्होंने ना लफड़ चबेल लगाई मुझे, ऐसा कुछ होना चाहिए और इसका मुद्दे बिल्कुल डीसी रजौरी एडिशनल डीसी सुंदरबनी इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए सर, इसमें मेरी क्या गलती है क्या नहीं।